बस अभी हम गौर करें तो मालूम यही होता है कि ना तो ये मुस्लिम स्ट्रक्चर है, ना ही ये हिंदुओं का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, बल्कि ये एक किसी सिख जो शख्स है उसका बनाया हुआ सिख का तर्ज तामीर है। फ्रंट को अलग कलर कर दिया गया है, जबकि बैक इसकी आपको पुरानी ही नज़र आती है, जो कि इसकी असल खूबसूरती हुआ करती थी। जब आप सड़क से खड़े होकर देखें तो बाहर तो ये बड़े छोटे से मालूम होते हैं कि छोटे साइज़ के होंगे, लेकिन जब आप छत से जाके इसको देखते हैं तो इनका जो साइज़ है वो अच्छा खासा आपको नज़र आता है। वंस अगेन आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सर गंगाराम की जो सर्विसेज हैं वो बाजी ले गई और ये इमारत बनाई गई थी लोगों के रहने के लिए। खुद सर गंगाराम इसमें शायद रहे भी ना हों। बरेसगीर की एक बहुत बड़ी पेंटर जिन्होंने बड़ा नाम अपने दौर में पैदा किया और आज भी उनका नाम है, यानी अमृता शेरगिल साहिबा, वो इस बंगले में रह चुकी हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं व्लॉग एंट्री और मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान साद जाहिद। आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जिस बिल्डिंग के हवाले से हम जिक्र करने लगे हैं और उसकी डिस्कशन का आगाज़ करने लगे हैं, ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात मौसूल नहीं हो सकी और बुनियादी तौर पर यहाँ पर दो ही जो माखज़ हैं, जो सोर्सेज हैं, वो साबित हुए इस बिल्डिंग के हवाले से मालूमात को यकजा करने के लिए। एक तो असद सलीम साहब की बड़ी ही मशहूर किताब ठंडी सड़क, उसमें इस हवाले से एक आर्टिकल मौजूद है, उससे कंसर्न किया। और इसके अलावा मैंने दो दफ़ा ज़ाती तौर पर ख़ुद इस इमारत का विज़िट किया और यहाँ पर जो मुख्तलिफ लोग हैं उनसे मुलाकातें की। तो इन तमाम चीज़ों के बाद जो मालूमात मौसूल हुई उसे यकजा करके इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताएंगे। तो रिक्वेस्ट आपसे वही है जो हमेशा करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, जिस बिल्डिंग की आज हम बात करने लगे हैं, सबसे पहले इसका नाम आपके साथ शेयर करते हैं। तो मौजूदा दौर में इस बिल्डिंग को जान मोहम्मद बिल्डिंग के नाम से पुकारा जाता है, जान मोहम्मद बिल्डिंग। और यकीनी तौर पर ये जो नाम है ये आज के ज़माने का नाम है, ज़माने कदीम में इसका ये नाम नहीं होता होगा, उसकी क्या रीज़न है इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको वो बताएंगे। सबसे पहले इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अगर आप इसे देखें तो ये एक छोटा सा एक कॉम्प्लेक्स है, छोटी साइज़ की एक इमारत है कंपैरेटिवली जो माल रोड की दूसरी इमारत हैं, अगर आप उन्हें देखें तो वो 5 किनाल 6 किनाल पर मुहित होती हैं। अच्छी खासी उनकी एक अपनी जो हदूद अरबा होता है, अपना रकबा होता है, लेकिन ये बिल्डिंग उनके मुकाबले में एक छोटे साइज़ की यूनिक स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। और अगर आप इसके ऊपर देखें तो आपको 7 मेहराबी खिड़कियाँ नज़र आती हैं। थोड़ा सा भी हम गौर करें तो मालूम यही होता है कि ना तो ये मुस्लिम स्ट्रक्चर है, ना ही ये हिंदुओं का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, बल्कि ये एक किसी सिख जो शख्स है उसका बनाया हुआ सिख का तर्ज़ तामीर है। उनकी तामीरात में इस किस्म के जो नक्कूश हैं वो आपको नज़र आते हैं। मौजूदा अगर आप इसको देखें तो इसके एक राइट साइड पे दुबई इस्लामिक बैंक, उसकी एक ब्रांच है, और लेफ़्ट साइड पे आपको इसके अंदर सोनी शूज़ का एक जो आउटलेट है वो नज़र आता है। इसके दूसरे हिस्से में जो गली के साथ अटैच है उसमें भी कुछ दुकानें वगैरह हैं, लेकिन वो एक ख़ास छोटी मोटी दुकानें ही आप कह सकते हैं, कोई ख़ास बड़ा ब्रांड नहीं है। हाँ, इसका बेसमेंट भी है और उस बेसमेंट के भी अंदर जो शॉप्स वगैरह हैं वो चल रही हैं। जब वीडियो बनाने के लिए मैं वहाँ पर मौजूद था तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो मैं आपके भी गोश गुजार करना चाहता हूँ। अगर आप इस बिल्डिंग को दो हिस्सों में तकसीम कर दें, यानी एक इसका फ्रंट और एक इसका बैक, तो फ्रंट पे आपको ये लाइट ब्राउन जो इसके ऊपर क्रीम टाइप सा कलर कर दिया गया है आपको ये नज़र आता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा गली के अंदर बैक साइड पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको ईंटों वाला ही स्ट्रक्चर नज़र आता है, उस पर कोई लेप वगैरह नहीं की गई। क्योंकि इस पर लेप पिछले हिस्से पे नहीं की गई तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब ये बिल्डिंग बनाई गई होगी या ज़माने कदीम में क्या मैं पाकिस्तान से पहले, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्राउन कलर का इन जो इसकी ईंटें हैं उसकी तरह का ही होगा फ्रंट से भी, लेकिन बाय द टाइम इसमें चेंजिंग करते हुए इसके फ्रंट को अलग कलर कर दिया गया है, जबकि बैक इसकी आपको पुरानी ही नज़र आती है जो कि इसकी असल खूबसूरती हुआ करती थी। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो यही थी कि जब वहाँ पर मैं मौजूद था तो कहीं ना कहीं इसके माथे के ऊपर कुछ लिखा हुआ महसूस हो रहा था, तो उसे क्रॉस चेक करने के लिए मैं जैसे ही थोड़ा सा बैक साइड पे गया, थोड़ा सा रोड के सेंटर में आया और उनकी रोड की जो ग्रीन बेल्ट्स होती हैं उसमें खड़े होकर देखा, तो इस इमारत के माथे के ऊपर मुझे कुछ लिखा हुआ मालूम हुआ। तो जैसे ही उसे क्लोज़ किया कैमरे के थ्रू या ख़ुद अपने तौर पर जानने की कोशिश की तो इसमें
केमिस्ट एंड ड्रग, ये दो लफ्ज़ आपको वाजह तौर पर उभरे हुए नज़र आ रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो आप ये अजम्पशन यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ये बात हम नतीजा भी इस बात का अखज़ कर सकते हैं कि माजी में यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई बड़ी ब्रांड की ड्रग्स एंड केमिस्ट की शॉप होती होगी किसी दौर में, जो कि अब ख़त्म हो गई है और उसकी जगह सोनी शूज़ और दुबई इस्लामिक बैंक की दो ब्रांचेस आपको नज़र आती हैं। ये थी इस इमारत के हवाले से जो फ्रंट पे इसके सारे मामलात हैं। अब आपको इसकी छत पर लेके चलते हैं, और छत पे जाने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने बकायदा दो विज़िट्स किए थे, तो दूसरे विज़िट में मेरी जो सोनी शूज़ के ऑनर्स हैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने इस सिलसिले में भरपूर तआवुन किया और उन्हीं के कहने पर मैं इस इमारत की छत पर गया। तो छत पर जो मंज़र है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसे ही आप छत पर जाएँ तो सामने आपको ये इस तरह के दो बड़े ही खूबसूरत जो साइज़ के बड़े साइज़ के दो गुंबद हैं वो नज़र आते हैं। जब आप सड़क से खड़े होकर देखें तो बाहर तो ये बड़े छोटे से मालूम होते हैं कि छोटे साइज़ के होंगे, लेकिन जब आप छत से जाके इसको देखते हैं तो इनका जो साइज़ है वो अच्छा खासा आपको नज़र आता है, ये अच्छे खासे साइज़ के हैं। और फिर वंस अगेन जो हम स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे थे कि इसका भी स्ट्रक्चर आप देखें, जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने लोगों से भी पूछा था, तो उसमें यही उन लोगों का ज़्यादातर कहना था और जो मेरी अपनी भी जो फाइंडिंग है वो यही है कि एक सिख तर्ज तामीर है, सिखों की बनाई हुई एक इमारत है, क्योंकि इस किस्म के जो गुंबद हैं वो गुरुद्वारों के अंदर आपको इसी स्ट्रक्चर में इसी पैटर्न पे इसी तरीके से उसकी जो नोक पलक है वो की हुई आपको गुरुद्वारों ही में नज़र आते हैं। अगर इन्हीं गुंबदों की बात करें तो इन साइड इसकी 12 आर्चेज़ हैं, यानी तीन 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 और तीन तीन, इस चारों साइड पे तीन तीन आपको आर्चेज़ नज़र आती हैं, तो कुल 12 इसके अंदर आर्चेज़ हैं और साइडों पे आपको ये पुराने दौर की मोटी जाली एक नज़र आती है जिससे आप बाहर जो माल रोड का नज़ारा है वो देख सकते हैं। मुकम्मल तौर पर जो छत है और इसका फर्स्ट फ्लोर जो ऊपर के सारे मामलात हैं वो गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इमारत है वो काफ़ी हद तक नुकसान से बची हुई है। अगर यही इमारत बंद होती या क्लोज़ होती तो यकीनी तौर पर इसके भी टूट फूट का शिकार इसने रहना था, लेकिन इसके जो ऑनर्स हैं वो इसकी गाहे बगाहे जो रिपेयरिंग है वो करवाते रहते हैं। मज़ीद बात करें इस बिल्डिंग के हवाले से तो ये भी किताब में मौजूद है, ठंडी सड़क, असद सलीम साहब की, में कि सोनी शूज़ से पहले यहाँ पर हेलो शूज़ का एक ब्रांड हुआ करता था, वो अपना काम चला रहे थे और दो लाहौर के बड़े ही मशहूर डॉक्टर जिनमें से एक का नाम डॉक्टर ज़हीर और दूसरे का नाम डॉक्टर अताउल्ला है, उनके जो क्लिनिक्स हैं वो भी इसी इमारत में हुआ करते थे किसी दौर में। और छत से ही जब आप माल रोड पे इस नज़र डालें इसके ऊपर खड़े होके तो आपको इस तरीके से एक हसल बसल जो लाइफ है वो नज़र आती है। ये थी नाज़रीन इतलात इस बिल्डिंग के हवाले से जिसका मौजूदा नाम जान मोहम्मद बिल्डिंग है, और अगर मज़ीद इससे जो अटैच बिल्डिंग्स हैं जो इसके आसपास बिल्डिंग हैं उनकी बात करें तो इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो इमारत आपको नज़र आती है, किसी दौर में ये एक फर्नीचर का बहुत बड़ा आउटलेट होता था, जिस फर्नीचर की दुकान का नाम एक्चुअल में हयात फर्नीचर होता था, और ये वो फर्नीचर की शॉप है जो 1870 में जिसका क़याम अमल में आया था। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उसकी एक पिक्चर भी देख पा रहे हैं, लेकिन अब ये बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फर्नीचर की जो दुकान है या फर्नीचर की जो आउटलेट है वो यहाँ से शिफ्ट होकर गुलबर्ग या लिबर्टी वाली साइड पे जा चुकी है, और उसके साथ वाली बिल्डिंग का नाम धोनीचंद बिल्डिंग है। और धोनीचंद यकीनी तौर पर अपने ज़माने का कोई लैंडलॉर्ड होगा, बड़ा बिजनेसमैन होगा जिसने वो इमारत बनाई होगी। ये दो तो इमारतें थीं जो छोटी छोटी हैं, लेकिन असल जो इमारत है या इमारात आप कहें वो इसके बिल्कुल सामने वाली दो बिल्डिंग्स हैं जिन जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। सबसे पहले जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आती है यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, वो सर गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग है जिसे बनाने वाले कौन थे, मोहसिन लाहौर, वन ऑफ माई फेवरेट, जिनकी बड़ी सर्विसेज हैं लाहौर के लिए, सर गंगाराम। और उन्होंने वंस अगेन ये इमारत भी एक ट्रस्ट के थ्रू बनाई थी जहाँ पर गरीब लोगों को ठहराया जाता था। वंस अगेन आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सर गंगाराम की जो सर्विसेज हैं वो बासी ले गई और ये इमारत बनाई गई थी लोगों के रहने के लिए, खुद सर गंगाराम इसमें शायद रहे भी ना हो। चैनल ने इस पर इसे कवर कर रखा है, लिंक आपको ऊपर भी नज़र आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, उसे लाजमी फॉलो कीजिएगा। अगर आप इसी सर गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग की बैक साइड पे जाएं तो यहाँ पर एक ही तरह के बने हुए आपको छोटे छोटे घर या बंगले आप कह सकते हैं वो नज़र आते हैं, और वैसे तो ये भी कहते हैं कि सर गंगाराम ही ने डिज़ाइन किए थे, लेकिन असल जो इसकी अहमियत है वो इसका मकान नंबर या बंगला नंबर 23 है, 23, क्योंकि ये वो बंगला है जिसमें बड़े सगीर की एक बहुत बड़ी
पेंटर जिन्होंने बड़ा नाम अपने दौर में पैदा किया और आज भी उनका नाम है, यानी अमृता शेरगिल साहिबा, वो इस बंगले में रह चुकी हैं। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इस 23 नंबर बंगले पे भी वीडियो बना के आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब सर गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ अगर आप चले जाएं तो यहाँ पर वंस अगेन एक और मास्टरपीस आपको खुशामदीद कहने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, और जिसका नाम, जिस बिल्डिंग का नाम अगर आपसे शेयर किया जाए तो इसे सर दयाल सिंह मैंशन कहा जाता है। और अपनी नौयत की ये वाहिद ऐसी शायद पूरे आप कह सकते हैं माल रोड पर बिल्डिंग है जिसे अगर आप गौर करें तो ऐसा लगता है कि जैसे बाहें फैलाए ये इमारत आपको खुशामदीद कह रही है। और इंतहाई खूबसूरत स्ट्रक्चर है, इंतहाई यूनिक स्ट्रक्चर है, इसे भी चैनल ने कवर कर रखा है, लिंक आपको दोनों जगह पर मिल जाएंगे, इसे भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जान मोहम्मद बिल्डिंग के साथ साथ दीगर जो इमारात हैं उनके हवाले से डिस्कशन की। कुछ अर्सा पहले तक ये जान मोहम्मद बिल्डिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं ये सेल आउट भी हो रही थी, और ज़मीन.com पे गालबन इसका एक एड भी नज़र आया था जिसमें इसकी जो डिमांड है 2 अरब रुपए की गई थी। लेकिन अब जब मैं ऑनर से बात की तो उन्होंने बताया कि अब इस तरह के मामला नहीं है, अब ये एक ही ऑनर के पास है। और ओवरऑल बड़ी बेहतरीन बिल्डिंग है, बड़ी यूनिक बिल्डिंग है, बड़ी ही खूबसूरत बिल्डिंग है जिसके ऑनर्स ने काफ़ी हद तक इसे मेनटेन किया हुआ है, इसे संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन बहरहाल बेहतरीन की गुंजाइश हर जगह मौजूद होती है। नाज़रीन आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। आज की ये वीडियो जो हमने जान मोहम्मद बिल्डिंग वंस अगेन माल रोड की एक बिल्डिंग के ऊपर बनाई, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान साज़ अहद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।